ताजरों को ये कहना चाहिए कि ये जो टैक्स है ये घरों पर लग गया है, ये जो टैक्स है ताजरों पर लग गया है, ये टैक्स जो है ना घरों पर लगा है, ना ताजरों पर लगा है, ना किसी और प्रॉपर्टी पर लगा है। ये जो टैक्स लगा है सिर्फ और सिर्फ उस किराए की जो रेंट है ये उसके ऊपर लगा है, ना कि ये अस्पतालों पे लगा है। हेल्थ को ले लें आप, हेल्थ पे कोई टैक्स नहीं लगा, हॉस्पिटल पे कोई टैक्स नहीं लगा, तालीम पे कोई टैक्स नहीं लगा, स्कूलों पे कोई टैक्स नहीं लगा। प्लाजा मालकान जो हैं, जो खुद प्लाजे को या दुकान को यूज़ कर रहे हैं उस पर ये टैक्स लागू नहीं है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीरपुर की आवाम को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ताजरा प्लाजा मालकान है ये जो है मैं समझता हूँ वक्त बेनी से काम ले रहे हैं और आवाम को जो है वो गुमराह कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए अपने काम के लिए लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो मैं आवाम से भी ये अपील करता हूँ कि मैंने जो भी जंग लड़ी है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मीरपुर के मफाद में अल्फन कहता हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ कि जो दुआ मैंने पहले पढ़ी है मैं उसकी कसम उठा कहता हूँ कि मुझे किसी ने ना इस्तेमाल किया है, ना किसी ने मुझे बकाया है और ना ही मेरा कोई फ़ायदा है और ना ही मैं हासिल करना चाहता हूँ, ना ही ऐसा हासिल करूँगा कि किसी को मैं ब्लैकमेल करके या मैं किसी को जो है अपने ताजरों को धोखे में रख के या ताजरों को इस्तेमाल करके। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक ना दे, मैं अल्लाह को जो है हर बात जो है उसको गवाह बना के ये कहता हूँ, अल्लाह के नबी को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी को ताजर को या मीरपुर की आवाम को, मेरा जब भी कदम उठा है मीरपुर की बेहतरी के लिए, मीरपुर की ताजरों की बेहतरी के लिए, मीरपुर की आवाम की बेहतरी के लिए उठा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों कि आज मैं जो जबान में बोल रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आप लोगों ने मुझे जबान दी है, आप प्रेस वालों ने जबान दी है और मैं ये आपकी वसादत से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आज भी ये मेरी आवाज़ अगर आप साथ ना दें तो ये गूंज नहीं सकती। तो मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर दफ़ा मेरा साथ दिया है, हर दफ़ा जो है मीरपुर का साथ दिया है, मीरपुर के आवाम का साथ दिया है, तो इस पर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो अपने चंद जो मैंने इस थोड़े अरसे में जब से मैं अंजुमन ताजा इदाद ग्रुप का सदर बना हूँ और मेरी टीम जो है मेरा साथ दिया उन्होंने और मैंने जो चंद काम किए मैं वो आपको गुज़ गुज़ार करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि सबसे पहले जब एमडीए का जो टैक्स लगा तो सबसे पहले जो आवाज़ बुलंद की थी वो आपको मालूम है वो किसने आवाज़ बुलंद की थी? इस नाचीज़ ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी कि ये जो मीरपुर की सारी आवाम का, मीरपुर के ताजरों का ये मसला है, इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इसको जब तक हम ख़त्म नहीं करवा लेंगे इंशाअल्लाह ताला हम बैठेंगे नहीं। मैंने आपका सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया, मीडिया के ऊपर मैंने जो है इश्तहार भी लगाए, बयान भी दिए। जब चंद दिन बाद मेरे बाकी ताजर भाइयों का इसका इलम हुआ कि ये चौधरी साहब जो है ये एक अच्छा काम करने जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं, इनकी पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है, तो फिर इन्होंने मुझे जो है नांगी अड्डा में मड़ियाल होटल पर मुझे जो है कॉल आई चंद दोस्तों की कि आप जो है शाम को 7 बजे हम इस मीटिंग बुला रहे हैं और आप आ जाए। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह मैं आ जाता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया शाम को 7 बजे तो वहाँ पर 5 ताजर तंजीमें जो है वो बैठी हुई थी और 6ठी तंजीम जो है वो मेरी थी। हम जो है सिर्फ 2 लोग थे, 2 लोग उन्होंने बुलाए हुए थे, एक जनरल सेक्रेटरी और एक सदर साहब। जब वहाँ पर बातचीत चली तो सच्ची बात है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने चौधरी सईद के ख़िलाफ़ जो है बातें करनी शुरू की जो चौधरी नईम साहब को अच्छी ना लगी, और जहर है कोई भाई के ख़िलाफ़ या इस तरह के कोई ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करता थे एक भाई को वो अच्छी नहीं लगी, तो वहाँ से जो है वो चल पड़े ये और हम जो है 5 वहाँ बैठे और कुछ मेरे दोस्तों ने उनको पीछे जाते हुए तस्वीरें भी बनाई और बाद में जो है उनके जो है भागने का जो हमने इशारा दिया वो बारात में भी है और सारी चीज़ें, और वो जो है हमसे लातल्लुक हो गए। और हम जो है उस वक्त 5 लोगों ने
जो है इस जदोजहद को जारी रखने का फैसला किया और एक गैर जानबदार आदमी को जो हमने खालिद जोशी साहब थे सबक सदर, हमने उनको ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाम से एक कमेटी हमने बनाई और उनको हमने जो है प्रेसिडेंट उसका चेयरमैन बना दिया उस कमेटी का। मैं आपको ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये पांचों ताजर जो है मेरे भाई हैं, मैं उनकी अब भी इज्जत करता हूँ, वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ, लेकिन इस काज पर जो है वो मेरे साथ इतफाक नहीं कर रहे, ठीक है, मैं उनके साथ इतफाक नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ उसमें जो है प्लाजा मालकान भी आते हैं, तो मैंने किसी को टच नहीं किया, तो मैंने बेहतर समझा, मैंने अपनी तंजीम को सिर्फ रात 11:30 बजे तक हम सारे लोग बैठे रहे, हमने मशवरा किया, हम मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी सब ने मेरी बात को सराहा और ये कहा कि ये जो चीज़ आप चौधरी साहब बता रहे हैं ये ताजरों के भरपूर मफाद में जा रही है, मीरपुर के मफाद में जा रही है और आप जो है बेशक इस पे अपना काम जारी रखें और जो है आप बैठे, अगर आप चाहते हैं कि हम भी साथ बैठे तो हम भी चलने को तैयार हैं। मैंने उन्हें कहा कि फिल वक्त जो है आप मुझे थोड़ा सा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, मुझे ब्रीफ करने दें, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद फिर जो है हम सारे अपनी ताकत जो है यहाँ पर जाके प्रेस क्लब में इकट्ठी करें। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैंने अपनी ताजरों की ताकत इस्तेमाल नहीं की, आज जो मैंने ताकत इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है आप लोगों की मीडिया की, तो ये ताकत जो है ये आवाज़ मेरी आगे लेके जाएगी और मैं इस टैक्स के हक में हूँ कि ये टैक्स लगना चाहिए। तो वो मैं बात कर रहा था कि जो जदोजहद मैंने वो MDA के उस जगह टैक्स को ख़त्म करवाने में मैंने की, वो आपको पता है कि जो किरदार था मेरा वो मैंने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बखूबी निभाया और उसको अभी तक वो टैक्स जो है वो मुकर है। ये चौधरी सईद साहब ने भी एडमिट किया और उनके भाई ने भी एडमिट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और प्रेस रिलीज भी जारी किया कि फिल वक्त जो है हम इसको मुकर करते हैं और बाद में जो है बोर्ड जो है वो बोर्ड में जो है ये इसकी मंजूरी हुई थी तो ये आप जो है बोर्ड में ही जाके ख़त्म होगा। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि वो मौका है और इंशाल्लाह जब तक वो मुकम्मल मौका नहीं होगा हम उसका पीछा करते रहेंगे। तो जहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि ये इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो तलक है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये मीरपुर के मफाद है, मीरपुर का मफाद ये है कि आप देख लो इस वक्त जो अदारे हैं मीरपुर में कोई अदारा इस वक्त तक प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ना किसी अदारे के पास फंड है, ना किसी अदारे के पास ये गुंजाइश है कि वो मजीद भर्ती करें, मेरी बच्चियां जो पढ़ी लिखी हैं जिनके पास डिग्री हैं, मेरे बेटे जिनके पास डिग्रियां हैं, जो मेरी बहनें हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, वो मेरे भाई जिनके पास डिग्रियां हैं, वो इस तरह बेरोज़गार बैठे हुए, अगर हम लोग इसी तरह से हर उस टैक्स का जो है खात्मे के लिए हम बाहर निकलेंगे और अपना अपना मफाद हासिल करते रहेंगे तो ये अदारे फिर चल नहीं सकेंगे। जो मीरपुर की तबाही इस वक्त हो रही है, जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है लोगों ने, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो लोग हैं आज ये उठ के खड़े हुए हैं कि हम इसको जो है किसी सूरत नहीं लग रहे लेंगे, किसी सूरत में जो है ये लागू नहीं हो रहे हैं मीरपुर के लोगों के साथ है। और यार खुदा का खौफ करो आप लोग, आपने कभी ये सोचा है कि एक गरीब जो है उसको 5 मरले का प्लाट मिले आप उसका भी हक खा लेते हो? आप अमीर लोगों का ये वतीरा बन चुका है कि मीरपुर में जब गरीब की बारी आती है तो आप मालदार और सरमायादार लोग ये कह देते हैं कि यार ये मुझे 10 प्लाट अलाट कर दो, ये पैसा मैं जमा करा देता हूँ, ये सब कुछ कर देता हूँ। तो क्या आप लोग उन गरीबों का जो हक है वो हक उनका खा नहीं जाते? आपके पास इस वक्त भी 100-100, 200-200 प्लाट जो अलाट है तो क्या गरीब आज फिर भी वो किराए के मकान में रह रहा है? तो जो वो आप मकान तामीर करते हो वो रेंट पे, उस रेंट पे जो है वो लाखों रुपए आप वसूल करते हो, वो कोठियां किराए पे देते हो, वो प्लाजे किराए पे देते हो, आपकी 20-20, 25-25, 16-16, 12-12 दुकानें, तो क्या ये मुमकिन है? मैं मीरपुर की आवाम से ये कहता हूँ कि इनके जो ठेकेदार बन चुके हैं ये कहना चाहते हैं मीरपुर के लोगों को, ये बताना चाहते हैं ये मीरपुर के लोगों को कि ये टैक्स जो है आप ना दें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये टैक्स आपके ऊपर लागू ही नहीं है, ये टैक्स ये लोग इंशाल्लाह ताला
ये देंगे, अगर नहीं देंगे तो इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और इनके खिलाफ जो है पूरा इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी अगर ये एहतजाज करेंगे तो हम लोग भी इनका पीछा करेंगे और हम भी जो है इस टैक्स के हक में एहतजाज करेंगे और बाहर निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला मिलपर की आवाम जो है, मिलपर के ताजर जो है मेरे साथ खड़े होंगे।